नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आइए देखते हैं, ठीक ना। तो ये आपका 65वीं श्रृंखला है टीट सुपर टीट से संबंधित। आइए एक बार आज आप सबको सबसे अधिक करंट और ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे। और देखिए, चूंकि आप सब में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है और भूगोल जो है इसमें चाहे भारत का हो या विश्व का हो, इसका आप सबको बहुत ज्यादा एरिया कवर किए हुए है सुपर टीट में, ठीक। तो आइए हम सब प्रश्नों के शानदार श्रृंखला को देखते हैं। पहला ही प्रश्न आप सबके सामने रहा, हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता, ये चैंपियनशिप को किसने जीता, जल्दी से सभी लोग बताइएगा। दिल्ली ने, केरल ने, महाराष्ट्र ने या हरियाणा ने, किसके द्वारा आपको जो है कि हॉकी एशिया सब जूनियर कप आपको जीता गया, ये जल्दी से बताइए। ये आपको जो है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला जो है ये किसने जीता, जल्दी से सभी लोगों का जवाब शानदार तरीके से। दिल्ली है, केरल है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र या आपको आंध्र हरियाणा, तो हरियाणा राज्य के द्वारा आपको जो है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता गया, ठीक ना। और आपको इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय खेल युवा एवं खेल कल्याण मंत्री आपको जो है के अनुराग सिंह जी जो थे, अनुराग ठाकुर या अनुराग सिंह जी थे, उन्हीं के निर्देशन में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, संदीप सिंह को, संजय सिंह को, अजय सिंह को, विनय कुमार सक्सेना जी को, किसे हाल ही में आपको दिल्ली का नया उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अनिल बैजल, ठीक ना, अनिल बैजल के स्थान पर, बैजल, अनिल बैजल के स्थान पर आपको जो है विनय कुमार सक्सेना को ये आपको नियुक्त किया गया है। ये क्या थे, तो पूर्व दिल्ली एलजी, पूर्व दिल्ली एलजी, ये अपने निजी कारण को बताकर उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 भारतीय वायु सेना किस स्थान पर है, पहले, तीसरे, दूसरे या चौथे, किस स्थान पर है, तो भारतीय वायु सेना जो है ये आपको तीसरे स्थान पर आपको है, क्या में तीसरे स्थान पर विश्व वायु शक्ति सूचकांक आपको 2022 में भारत तीसरे नंबर पे है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संभव पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक राज्य के द्वारा, किसके द्वारा संभव पोर्टल जो है ये शुरू किया गया, संभव पोर्टल, तब बताएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये संभव पोर्टल आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया और इसका लॉन्च जो है ये ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई थी उत्तर प्रदेश आपको जो है में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन बना, जॉर्डन बना, न्यूजीलैंड बना, इराक बना या बेल्जियम बना, तो आप सबको ये मैं रटवा रहा हूं एक तरह से समझ लीजिए कि करंट आपको रट जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं कई बार लेकर आ रहा हूं, एक कंटिन्यूअसली आप सबको मिल रहा होगा, ये आपको बेल्जियम है, जबकि मंकी पॉक्स की पहली आपको पहला लक्षण कहां देखने को मिला था, तो ये आपको यूएसए में मंकी पॉक्स आपको दिखाई दिया, ये वायरस जनित रोग है, कैसा वायरस, वायरस, वायरस जनित रोग है, जनित रोग है, ठीक ना, वायरस जनित रोग आपको जो है मंकी पॉक्स है, ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए, मई 2021 में किस दिन राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 मई को, 22 मई को,
23 मई को या आप सबको 24 मई को किस तारीख को आपको जो है कि राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। और इस प्रश्न के तहत आप कह सकते हैं कि 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस जो है के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल देशों में कुल कितने देश शामिल हैं, तो 54 देश शामिल हैं, ठीक ना, कितने आपको 54 देश। और ये कब मनाया जाता है तो बताएगा कि मई महीने के आपको जो है सॉरी अच्छा हाँ हाँ ठीक ना, ये आपको जो है कि ये आपको महत्वपूर्ण 54 देश हैं, वे देश हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, कभी ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे। ये बातें ये महत्वपूर्ण रूप से आप सबको जो है कॉमनवेल्थ के नाम से इसे इंग्लिश में जाना जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौका लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया, डेविड वार्नर, शिखर धवन, विराट कोहली या सुरेश रैना। तब बताएगा कि आपको शिखर धवन जो है ये आपको सबसे अधिक 700 चौका लगाने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि उसके बाद डेविड वार्नर जो हैं ये 500 आपको 77 और ये जो हैं 576 चौके लगाकर विराट कोहली तीसरे नंबर पे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप आंकड़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और गलतियां उम्मीद करता हूं कि नहीं होगी आप सबसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये नितिन सर के द्वारा जो है हम सबके एकदम जबरदस्त प्रयास से वीडियो की शानदार बुक लिखी गई है और इसे आप सब परचेज कर सकते हैं। खूब मन लगाकर इसे आप सब पढ़िए, परचेज करिए और अपनी सफलता को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाइए, यही कामनाएं आप सबसे करता हूं। नेक्स्ट देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोन्स राबोस होर्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये आपको बुर्नोई के, पपुआंस न्यूगिनी के, भूटान के या तिमोर लेस्ट के। तो बताइएगा कि बुर्नोई के राष्ट्रपति के रूप में आपको जो है कि इन्होंने जोस रामोस होर्टा ने शपथ लिया है राष्ट्रपति के रूप में, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले वनडे प्रश्न की तरह, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, कहां स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में या न्यूजीलैंड के दक्षिण में। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक ना, ये आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इसी के इस भाग में आपको ग्रेट बैरियर रीफ है। कहां पे, तो किधर हुआ, उत्तर और पूर्व की दिशा में, ठीक, याद रखे रहेगा, उत्तर दक्षिण नहीं, उत्तर और पूर्व की दिशा में आपको ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ये ग्रेट बैरियर रीफ आपको यही पर्वत है और ये उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में आपको जो है ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये मुंगा द्वीप भी है, कैसा, मुंगा द्वीप भी है, मुंगा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे कह सकते हैं कि इसका इसे प्रवाल भित्ति द्वीप, ठीक ना, भित्ति द्वीप भी आपको कहा जाता है। साथ ही साथ ये आपको ग्रेट बैरियर रीफ के अन्य कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे इसे आपको जो है कि यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, महासागर में स्थित है, ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके ले रही। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि ग्रेट बैरियर रीफ ये इसकी कुल लंबाई जो है लगभग लंबाई आपको 1900 किलोमीटर, ठीक ना, 1900 किलोमीटर है, ये दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल द्वीप है,
दुनिया की सबसे लंबी, ठीक ना, सबसे लंबे प्रवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है। ये सारी बातें आपको ग्रेट बैरियर रीफ, ये सिलिंड्रेटा प्रकार के जीव जो होते हैं, प्रवाल सिलिंड्रेटा प्रकार के जीव होते हैं, ठीक ना, इसे मुंगा द्वीप भी कहते हैं या मुंगा पर्वत भी कह सकते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? यूरोप को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को या उत्तरी अमेरिका को? तो प्यासी भूमि की देश आपको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक ना। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं, कंगारुओं का देश भी कहते हैं, का देश भी कहा जाता है इसे। इसे आपको जो है कि ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया देश जो है पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ देश है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश पूरे महाद्वीप पर, महाद्वीप पर फैला है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मकर रेखा इसे बीचों बीच बांटती है, मकर रेखा इसे बीचों बीच, ठीक ना, बीचों बीच बीच बांटती है। ये सब बातें याद रखी रहेगा। साथ ही साथ आपको सबसे लंबी नदी जो है, सबसे लंबी नदी आपको कौन है? तो मर्रे डार्लिंग, ठीक ना, मर्रे डार्लिंग यहाँ की सबसे लंबी नदी है। साथ ही आप महत्वपूर्ण बातों में यह कह सकते हैं, इसका सबसे बड़ा शहर जो है, सबसे बड़ा शहर, ठीक ना, सबसे बड़ा शहर सिडनी है, ठीक, सिडनी जो है सबसे बड़ा शहर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा आपकी है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए, अंटार्कटिका द्वीप में भारत के कौन कौन से शोध केंद्र स्थापित हैं? तो भारत के अंटार्कटिका द्वीप में उपयुक्त तीनों शोध केंद्र स्थापित हैं। साथ ही साथ अंटार्कटिका द्वीप को श्वेत द्वीप के नाम से, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहां आपको जो है, हाँ जी, ये देखिए, अगले श्वेत महाद्वीप के नाम से इसे जानते हैं, ठीक। ये कहां गया प्रश्न भाई? चलिए ये देखिए, हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि अंटार्कटिका जो है, ये वैज्ञानिकों का अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं, वैज्ञानिकों के लिए इसे वरदान या वैज्ञानिकों का महाद्वीप भी कहते हैं, वैज्ञानिकों का महाद्वीप, का महाद्वीप कहते हैं। यह वर्ष भर आपको जो है, वर्ष भर आपको जो है भर बर्फ से ढका रहता है, ठीक ना, बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है विंसन मैसिफ, नाम होगा विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ, ठीक ना, मैसिफ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपको मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है सील मछली जो है यहाँ पे पाई जाती है, पेंगुइन आपको यहीं पे जो है पोलर वियर, ठीक ना, वियर, ये सभी जानवर जो है ये आपको यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये भारत के प्रमुख अनुसंधान, गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सब यहीं पे स्थित है। चलिए, धरातल पर महासागरों की संख्या कितने पूछा है? 4 है, 5 है, 7 है या 8 है? तब बताएगा कि कुल महासागर आपको 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं। ये 5 महासागर क्रमशः कौन कौन से हैं? तो बताएगा प्रशांत महासागर, ठीक ना,
प्रशांत महासागर। दूसरा बताइएगा कि अटलांटिक महासागर, ठीक महासागर, ठीक ना। तीसरा आप बताइएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और चौथा बताइएगा आपको जो है कि दक्षिणी सागर, दक्षिणी महासागर, ठीक ना, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, ध्रुवीय ध्रुवीय महासागर, ठीक ना। और आप बताइएगा कि आपको जो है उत्तरी ध्रुवीय महासागर, ध्रुवीय महासागर, ठीक ना। महासागर ये आपको कुल पांच महासागर हुए, ये आपको पांचवा हुआ, ये आपको चौथा हुआ, ये आपको पहला, ये आपको दूसरा, ये आपको जो है तीसरा। तो ये पांच आपको जो है हुए, पांच महासागर हुए। और महाद्वीप कितने हुए, तो सात हुए। कौन कौन सा, एशिया एक, दूसरा अफ्रीका दो, तीसरा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक ना, चौथा आपको जो है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा आपको जो है ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपको पांचवा, छठवां पे यूरोप है और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो ये आपको जो है कितने महाद्वीप, तो आपको सात महाद्वीप और पांच महासागर हैं। ये दोनों आपको किसके अंतर्गत आते हैं, तो उच्च श्रेणी के उच्चावच या प्रथम श्रेणी के, इन्हें महा, यही नोट कर लो, ठीक ना, महासागर, महासागर एवं महाद्वीप को, एवं महाद्वीप को, द्वीप को प्रथम श्रेणी का उच्चावच कहा जाता है, ठीक ना, प्रथम श्रेणी का उच्चावच कहा जाता है, उच्चावच कहा जाता है। तो ये आप सबको याद रखने के लिए ये महत्वपूर्ण बातें रही, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैरियाना गत किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, या आपको जो है अंटार्कटिक महासागर में। तो मैरियाना गर्त ये आपको जो है दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, दुनिया का सबसे गहरा गर्त, ठीक ना, सबसे गहरा गर्त माना जाता है। ये आपको, ये इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई जो है 11033 मीटर है और हिमालय से डेढ़ गुना ज्यादा गहरा है। ये कहाँ है, तब बताएगा कि ये फिलीपींस के समीप है, फिलीपींस के समीप आपको मैरियाना ट्रेंच है। और किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में आपको स्थित है, ठीक ना। ये कहा, तो प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त है, जो हिमालय से करीब डेढ़ गुना नीचे अंदर है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। विश्व के किस महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर, तो बताइएगा कि अटलांटिक महासागर को आपको कहा जाता है। इसकी आकृति बात की जाए, अब यहीं से, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक ना, बड़ा महासागर है, ठीक। ये जो है कुल भूभाग का छठवां, ये पृथ्वी के कुल भाग का छठवां भाग जो है, 1/6 हिस्सा पर फैला हुआ है, हिस्सा पर फैला हुआ है, ठीक ना, फैला हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट आपको इसमें महत्वपूर्ण रूप से आप कह सकते हो इसकी आकृति यश आकार की है, इसकी आकृति अंग्रेजी के कैपिटल यस, इस तरह से यश आकार की है, आकार की है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें रही। बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा, ठीक ना, बरमुडा ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल आपको, ट्रायंगल इसी में स्थित है, इसी पर, इसी में स्थित है।
साथ ही साथ आप सब नाम सुने होंगे सारगैसो सागर का, सारगैसो सागर। ये सारगैसो सागर जो है कोई सागर नहीं है बल्कि घास है, ठीक ना। सारगैसम नामक घास पाया जाता है, ये आपको जो है सारगैसो सागर जो है घास इसी में पाया जाता है या इसी में स्थित है, ठीक। तो ये सारी बातें आपको जो है महत्वपूर्ण रूप से अटलांटिक महासागर के विषय में रही। एकदम यूपी ट्रिपल एस से शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आप अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण शानदार तरीके से कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपके सुनहरे भविष्य के लिए जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था ने आपको टेट, सुपर टेट और आपको जो है यूपी ट्रिपल एस से ग्राम विकास अधिकारी का बैच लॉन्च किया है। अब देखिए, संसार का कौन सा महासागर है जो समस्त संसार के 1/6 भाग में विस्तृत है? तो अभी मैंने बताया कि वह आपको जो है अटलांटिक महासागर है जो संसार के 1/6 भाग में आपको स्थित है। इसके दक्षिणी भाग में आपको जो है चैलेंजर गर्त है। क्या है? बार बार पूछता है। इसके दक्षिणी भाग में ठीक ना, दक्षिणी भाग में आपको जो है चैलेंजर गर्त आपको पाया जाता है। जबकि उत्तरी भाग में बात की जाए, उत्तरी भाग में आपको तो डॉल्फिन कटक यहीं पे पाया जाता है। डॉल्फिन कटक या गर्त ये आपको जो है पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से अगले प्रश्न को करिएगा। विश्व के किस महासागर में मछलियां पकड़ने के बड़े बड़े स्थल ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक स्थित हैं? यानी सबसे अधिक मछली आपको किस महासागर में पाई जाती हैं, या मछलियों के सुगम उत्पादन के लिए कौन सा महासागर आपको उपयुक्त माना जाता है? तब बताएगा कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। तो आपको जो है कि अटलांटिक महासागर जो है ये आपको मछलियों के ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक जो है ये अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। और ये निर्माण क्यों होता है, मछलियां ज्यादा क्यों होती हैं? तो जब गर्म और ठंडे दोनों जलवायु जिस स्थान पर मिलते हैं तो वहां प्रजनन करने की क्षमता अधिक हो जाती है, इसी कारण आपको जो है वहां मछलियों की संख्या अधिक होती है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो हिंद महासागर ये आपको विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सागर, क्या है? तीसरा सबसे बड़ा सागर माना जाता है। साथ ही साथ आप सबको कह सकते हैं ये आपको जो है इसकी आकृति जो है अर्धचंद्राकार है, ठीक ना। आकृति अर्धचंद्राकार है, चंद्राकार इसकी आकृति है। कहीं कहीं लिखा है इसकी कोई आकृति नहीं है, ठीक ना। सुंडा गर्त जो है ये पाया जाता है, और सुंडा गर्त जो है, सुंडा गर्त जावा के समीप, जावा द्वीप के समीप पाया जाता है, द्वीप के समीप पाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बातें आप सब याद रखे रहिएगा, ठीक ना। इसके साथ साथ ही मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा द्वीप आपको माना जाता है जो लेकिन आजकल किताबों में बोर्नियो को देने लगा है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। मेडागास्कर को अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप कहकर संबोधित किया जाने लगा है। कुछ किताबों में ये बड़ा ही डाउट सेशन वाली बातें हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखो ये आप एक ऐसे सीधे सीधे लाइन बना सकते हो, ये आपको उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ, ये आपको पूरब हुआ और ये आपको पश्चिम हुआ। तो उत्तर में इंदिरा कॉल कहलाता है, इंदिरा कॉल जो कहाँ है, अब लद्दाख में है, ठीक ना, लद्दाख में आपको है। और आपको जो है
इधर सबसे अंतिम पूरब का बिंदु जो है ये आपको जो है किबुथू, केबुथू, ये किबुथू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में आपको किबुथी पाया जाता है। वहीं आपको जो है कि गौर माता, गौर माता जो है ये कहां, तो गुजरात में गौर माता पाया जाता है सबसे अंतिम बिंदु। और आपको अंडमान निकोबार जो है ये अंडमान निकोबार के समीप है इंदिरा कॉल है, ठीक ना, इंदिरा कॉल ये अंडमान निकोबार के समीप है, ठीक, इंदिरा कॉल अंडमान निकोबार, ठीक, निकोबार। जबकि भारत से सटी हुई सबसे अंतिम बिंदु तो पूछता है तो ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु भारतीय भूमि से सटा हुआ सबसे अंतिम स्थान माना जाता है। तो इस तरह दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, ये कॉल नहीं, इंदिरा पॉइंट, ठीक। इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कहते हैं, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके ले रहा। चलिए अगले प्रश्न में, ये भारत का पूर्व पश्चिम दिशा में कितनी चौड़ाई है, तब ये आपको चौड़ाई पूछ रहा है। तो भारत का एक ऐसे, इसको भी एरिया एरा से बना लीजिए, ये आपको उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ, ईस्ट ईस्ट वेस्ट, ठीक ना, ईस्ट और वेस्ट। अब पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी इधर से इधर के लंबाई कितनी है, तब आप बताइएगा कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2900 आपको जो है 2893 कितनी है भाई। तो इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है ये आपको जो है के 2933 किलोमीटर जो है लंबाई है। जबकि उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको कितनी पड़ेगी, ये 2933 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2300 कुछ है, 2300 मुझे याद नहीं पड़ रहा है, 2300 इसका बत्तीस सौ चौदह किलोमीटर देख लीजिएगा एक बार आप सब ये। जबकि उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है पूर्व से पश्चिम के वनस्पति, ठीक ना, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से 2933 किलोमीटर आपको जो है कुल पूर्व से पश्चिम के लंबाई हुई। नेक्स्ट देखिए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा के कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, कितना, 15,200 किलोमीटर भारत के स्थल सीमा के कुल लंबाई आपको मानी जाती है, ठीक। तो ये एकदम आंकड़ा सटीक तरीके से याद रख लीजिएगा, जिसमें आपको जो है के तटीय रेखा की लंबाई लगभग 6100 तटीय रेखा पूछता है, तटीय रेखा, ठीक ना, तटीय रेखा की लंबाई आपको 6100 मीटर किलोमीटर मिलेगा, ठीक ना। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है, जबकि सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य गोवा माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आप इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना, ये आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी होगा। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा है, तब आपसे पूछा जाए राजस्थान एवं त्रिपुरा, मध्य प्रदेश एवं सिक्किम, राजस्थान एवं गोवा, मध्य प्रदेश एवं गोवा। तो राजस्थान और गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा आपको राज्य है। जबकि केंद्र शासित में पूछे तब केंद्र शासित राज्यों में सबसे बड़ा बड़ा कौन है, तो लद्दाख है, लद्दाख जो है ये सबसे बड़ा है। और छोटा कौन सा है, तो लक्षद्वीप, ठीक ना, लक्षद्वीप जो है
ये सबसे छोटा है। तो ये बातें भी आप सब याद करते चलिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक, और सबसे छोटा सिक्किम। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कई नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको नर्मदा, गंगा, गोदावरी या महानदी, तो नर्मदा जो है यही भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। ये आपको अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक ना, लंबी नदी है, ठीक ना, ये बातें। इसे गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये आपको अमरकंटक से मध्य प्रदेश के एमपी के अमरकंटक से निकलती है, ठीक ना। और आपको जो है कि ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, इसकी कुल लंबाई आपको 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 1000 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहा करती है, ठीक ना। और इसके साथ साथ ही आपको जो है भेड़ा घाट जो है इसी पर स्थित है, कई बांध परियोजनाएं भी नर्मदा नदी पर आपको स्थित है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कार्डेमम, अन्नामुड़े, डोडाबेट्टा या महाबलेश्वर? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भैया डोडाबेट्टा है, और ये दक्षिण भारत के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना, ऊंची चोटी। और लगभग इसकी आपको ऊंचाई जो है 2637 मीटर आपको जो है इसकी है। और जबकि अन्नामुड़े ये दक्षिण भारत के सबसे लंबी चोटी, सबसे ऊंची चोटी आपको यही है, इसका लगभग 2696 मीटर इसके ऊंचाई है। और ये अन्नामलाई पहाड़ी में पाई जाती है, कहाँ पे? अन्नामलाई पहाड़ी में आपको पाई जाती है। ये बातें आप सब याद रखे रहेगा, ये एकदम शानदार तरीके से आप सब बिल्कुल गलतियां नहीं करिएगा, प्रश्न इसके बाहर भी नहीं पूछता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो आप सबको बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है, ठीक ना। ये मानसरोवर झील है जो कि कहां है? तिब्बत में है, ठीक, तिब्बत के मानसरोवर से ऐसे बहते हुए ऐसे आती है और फिर इस तरह से गिर जाती है। तो यहीं पे आपको जो है ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में आपको प्रवेश करती है, जहां इसे देबांग या दिहांग कहते हैं, देहांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये किस श्रेणी से प्रवेश करती है? तो नामचा बरवा से, ठीक ना, नामचा बरवा चोटी से आपको जो है घाटी से प्रवेश करती है। और इसके बाद ये इधर के क्षेत्रों में सांगपो के नाम से जानी जाती है, यानी तिब्बत में इसे किस नाम से, भूटान में इसे, तिब्बत, चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं, जबकि इसे असम का शोक कहते हैं, असम का शोक के रूप में भी जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बातें और भी बता दें कि ये आपको असम में शोक तो है, ये है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी पर स्थित है, ठीक। तो यहां नोट कर लीजिएगा, दुनिया का
सबसे बड़ा का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक ना, नदी द्वीप कौन है, तो माजुली है और ये असम में है, और सबसे छोटा भी, ठीक ना, सबसे छोटा नदी द्वीप भी आपको उमानंदा है, उमानंदा ये भी आपको इसी पर स्थित है। तो ये बातें भी आप सब लर्न करते चलिएगा, देखते चलिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा, सिंधु, गोदावरी या कावेरी। यदि बात की जाए तो आपको जो है सिंधु गंगा से लंबी है, 2880 किलोमीटर है, लेकिन पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर आपको है। ये आपको गंगोत्री से निकलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से आपको उद्गम हुआ है, सियर से इनका उद्गम हुआ है। ये आपको जो है पांच राज्यों से बहते हैं, पांच राज्यों से कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और आपको पश्चिम बंगाल, ठीक ना। इसे आपको जो है कि भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है, ठीक ना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। तो ये गंगा जी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है, तो सर्वाधिक लंबाई यूपी में है, सर्वाधिक लंबाई यूपी में, और सबसे कम, ठीक ना, सबसे कम, तो सबसे कम झारखंड में सबसे कम। ये इन पांच राज्यों से होकर आपको जो है गंगा जी बहते हैं। गंगा नदी पर आपको फरक्का बांध परियोजना, ठीक ना, फरक्का बांध परियोजना जो है, बांध परियोजना ये आपको गंगा पर ही है, कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में आपको है। वैसे आपको टेहरी में टेहरी बांध है, ठीक ना, भागीरथी के नाम से प्रारंभ में जानी जाती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये लाइन भी पूछा है, हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक ना, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिएगा, ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये शोक क्यों कहा जाता है, गंडक, कोसी, गंगा या दामोदर, तो कोसी नदी को कहा जाता है, क्यों, तो मार्ग परिवर्तन के कारण, ठीक ना, परिवर्तन के कारण इसे शोक कहा जाता है। इसका उद्गम जो है सप्तकोसी नामक स्थान, जो है सात नदियां भी है, सात कोसी नदियां, सप्तकोसी नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है, जो नेपाल में है, ठीक ना, नेपाल में आपको है। ये आपको गंगा नदी में कटिहार में गंगा में आकर मिलती है, ठीक, गंगा में आकर मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 740 किलोमीटर इसकी आपको लंबाई मानी जाती है, ठीक ना, 720 किलोमीटर लंबाई इनकी मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आप रटते चलिए, देखते चलिए, बाकी के कुछ भी इन सब प्रश्नों में बहुत दमखम नहीं है, ठीक ना। दामोदर को बंगाल का शोक आपको दामोदर को कहा जाता है, जबकि महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे, ठीक ना, उड़ीसा का शोक। और अभी मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं, ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आप सब दिमाग में लगाए चलिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप सबके लिए, जिसने भी एमए का कंपटीशन पूरा कर लिया है, एमए फाइनल में है, वो भी नेट का पेपर दे सकता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या आपको जो है कि आगे की अपने जीवन के जो दिशा है उसे तय करने के लिए यह कोर्स कर सकता
आता है, ठीक ना। तो सी सेट पहले पेपर से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, बुलर या कोलेरू, ये अभी पीसीएस में पूछा था। किस में? चिल्का झील जो है ये भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा झील है। एशिया का सबसे बड़ा झील आप कह सकते हैं इसे निर्बाध रूप से। एशिया का सबसे बड़ा झील आपको चिल्का झील कह सकते हैं। ये एक प्रकार का ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल के खाड़ी में। और कहां राज्य में पूछे तो उड़ीसा राज्य में आपको जाना जाता है। साथ ही साथ ये एक प्रकार का लैगून झील है जो कि आपको ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, कैस्पियन सागर के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील माना जाता है, ठीक ना। कैस्पियन सागर के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आपको जो है लैगून झील है और भारत का सबसे बड़ा, ठीक। चलिए, उत्कल कलिंग का मैदान किसे कहते हैं? तो उत्कल कलिंग जो है या उत्कल सरकार, उत्कल कलिंग, उत्कल सरकार, ये आपको उड़ीसा का तटवर्ती मैदान जो है जिसे उत्कल कलिंग के नाम से हम सब जानते हैं, यह आपको है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको श्रीहरिकोटा कहां पर या किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा ये द्वीप है और ये आपको जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है और इसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा पर ही आपको स्थित है। ये आपको जो है के महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा, ठीक ना। ये एकदम और ये इसी के बगल में पुलिकट झील जो है के समीप, यानी पुलिकट झील का जो ऊपरी भाग है वही श्रीहरिकोटा है। पुलिकट झील आपको जो है भारत का लैगून झील ये भी है। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है, यानी द्वीपीय समूह कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार जो है ये भारत का सबसे आपको जो है के बड़ा द्वीपीय समूह है। इसमें आपको जो है इससे संबंधित जो है सैंडल पीक आप सब नाम सुने होंगे। सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना, ऊंची चोटी मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुल 9 जो है जैव अभयारण्य क्षेत्र है, ठीक ना। ये बातें भी याद रखिएगा। इसकी राजधानी आपको जो है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और आपको ब्लेयर, और ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी है, ठीक। ये भारत का बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर और साथ ही साथ राजधानी भी आपको अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार में ही आपको जो है सुसुप्त ज्वालामुखी और जागृत ज्वालामुखी दोनों अंडमान में ही आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। कितने डिग्री चैनल आपको जो है के मिनी काय द्वीप को कावारत्ती से अलग करते हैं? ये भैया ये चैनलवा तो सब ऐसे ऐसे बना देते हैं 9 डिग्री 10 डिग्री क्योंकि एकदम से, या 24 डिग्री, तब बताएगा के 9 डिग्री चैनल जो है ये आपको किससे, तो मिनी काय को आपको अलग करता है कावारत्ती से। कावारत्ती मतलब लक्षद्वीप के राजधानी है। अब 8 डिग्री चैनल किसको करेगा? तो मिनी काय को आपको जो है मालदीव से, किसे? मिनी काय को मालदीव से, आपको मालदीव से ये अलग करता है, ठीक ना। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से ये अलग करता है। 24 डिग्री चैनल कहीं कहीं भारत और पाकिस्तान को दिखाता है कि ये अलग करने का काम करता है, ठीक। तो इस तरह से ये बातें हुई। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? कोको द्वीप, कचाल द्वीप, कावारत्ती द्वीप या सालसेट? तो मुंबई जो है बच्चा ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप जो है दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। यह द्वीप
दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, ठीक ना, वाला द्वीप आपको मिलेगा। ये सालसेट द्वीप पर ही, बंबई जो है सालसेट द्वीप पर ही स्थित है। यूपी पुलिस शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। 500 वीडियो लेक्चर है, ई नोट्स बुक है, आपको जो है टेस्ट सीरीज है, ये सारी सुविधाएं हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने ऋतुओं में विभक्त किया गया है, यानी ऋतु कितने हैं, तो आपको 4 ऋतुओं में बस आपको जो है डिवाइड किया गया है। ये आपको वर्षा ऋतु, फिर आपको जो है कि वर्षा के बाद आपको जो है कि वसंत, हाँ ये वर्षा के बाद जो है शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु के बाद आपको जो है ग्रीष्म ऋतु, यही 4 ऋतुओं में आपको बांटा गया है। वैसे ऋतुएं 6 हैं, एक आपको हेमंत है और एक शिशिर है, ठीक ना, शिशिर ये भारतीय इसके अनुसार है, लेकिन कुल 4 ऋतुओं में आपको बांटा गया है। लौटता मानसून भारत में किस राज्य के तटीय भागों में वर्षा आपको करता है, तब बताएगा कि केरल राज्य में आपको जो है अक्टूबर, लौटी मानसून का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक ना, अक्टूबर से दिसंबर तक ये लौटी मानसून दिसंबर तक ये लौटे मानसून के नाम से जाना जाता है। अब लौटते मानसून में आप सब देख सकते हो भैया कि लौटते मानसून आपको जो है ये केरल तमिलनाडु में आपको दिसंबर महीने में खूब वर्षा करती है, और कुल भारत में वर्षा का लगभग इसका हिस्सेदारी 20% रहता है, ठीक ना, 20% इसकी हिस्सेदारी होती है। भारत के किस भाग में ली नहीं भैया लू, ठीक ना, लू नामक गर्म हवा चलती है, तो उत्तर एवं पश्चिम भाग में आपको लू नामक हवा चलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आपको और पाकिस्तान के क्षेत्र तक लू नामक जो है हवा गर्म के महीने में, ये आपको मार्च से स्टार्ट हो जाता है और जून महीने तक ये भीषण तपन पैदा करता है। आम्रवृष्टि चक्रवात या तूफान भारत के किस भाग में आता है, तो देखो भाई यहाँ पे आम्रवृष्टि जो है ये दक्षिण भारत में आपको आम्रवृष्टि होता है, कहाँ पे, तो दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि आपको होगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस वृष्टि को कई नामों से भी जानते हैं, जैसे चाय वर्षा, इसे ही फूलों की वर्षा भी कहते हैं, इसे ही कॉफी वर्षा भी कहते हैं, कॉफी की वर्षा, ठीक ना, ये सब ये आपको जो है कॉफी वर्षा कहाँ होगा तो कर्नाटक में, ठीक ना, फूलों की वर्षा कहाँ होगा तो केरल में, इसे ही आपको नार्वेस्टर ये कहाँ होगा तो ये नार्वेस्टर जो है ये आपको झारखंड और बिहार में नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। काल बैसाखी कहाँ तो पश्चिम बंगाल में आपको इसी हवा को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, और असम में आपको चाय वर्षा के नाम से जानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण वर्षा आपको जो है कि ग्रीष्म ऋतु आने के पहले एक प्री मानसून जो आती है उसे ही हम सब क्या कहते हैं, तो ये आम्रवृष्टि, चाय वर्षा, फूलों की वर्षा, कॉफी की वर्षा, नार्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक। भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है, तो 15 जून से ही भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है, ठीक ना, ये वर्षा ऋतु की शुरुआत आपको जो है जून माह से आपको हो जाती है, यही बात आप सबको बतानी है। भारत में वर्षा का लगभग कितने प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से आपको होता है, तो लगभग आपको जो है 90% वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून से होता है, ठीक ना,
जबकि आपको उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तर पश्चिम विक्षोभ से, विक्षोभ से आपको कितना प्रतिशत, तो लगभग 5% वर्षा जो है शीत ऋतु में, यानी इसे शीत ऋतु में उत्तर भारत में, ठीक ना, उत्तर भारत में आपको जो है ये वर्षा 5% होता है। पश्चिमी विक्षोभ इसे बोलते भी हैं, पश्चिमी विक्षोभ से आपको कितना प्रतिशत, तो 5%। ये आपको नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से हैंड रिटन नोट्स है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न में, भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को आपको कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो प्राकृतिक वनस्पतियों को बच्चा कुल 5 भागों में आपको विभक्त किया गया है। वैसे आपको देखा जाए तो आपको जो है कि मुख्य रूप से 6 भागों में विभक्त किया जाना चाहिए, ठीक ना, लेकिन कुल 5 भागों में आपको विभक्त किया गया है ये प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 भागों में। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन वहां पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन वहीं पाए जाते हैं। मानसून वन किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आपको जो है के आद्र पर्णपाती वन को, या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आपको जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन, या कटीले वृक्ष एवं झाड़ियों को, ठीक ना, झाड़ियों को किसे कहा जाता है, तब बताएगा कि उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक मानसून प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, भारत की जलवायु भी मानसूनी होती है, ठीक ना, भारत की जलवायु भी कैसी है, तो मानसूनी प्रकार की है। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण है, तो उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण आपको उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती, आद्र पर्णपाती तो आपको जो होगा यह चीड़ होगा, ठीक ना, आद्र पर्णपाती आपको क्या होगा, तो चीड़ का वृक्ष जो है ये उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वृक्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई, तो सर्वप्रथम वन नीति जो है ये 1982, 1983, 1894 या आपको 1986, तो 1894 में पहली बार आजादी के बाद प्रथम वन नीति, आजादी के बाद आपको प्रथम वन नीति, ठीक ना, वन नीति कब आई, तो 1952 आई, और दूसरी कब आई, तो दूसरी भैया वन नीति 1988 में आपको आई। वन अनुसंधान वन उसको क्या बोलते हैं, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की बात की जाए भैया, तब अधिनियम आपको 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब याद करते चलिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको जो है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो है यही आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को में समिति बी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, करण शर्मा को, विपिन वर्मा को, अजय पांड्या को, या राजेश भूषण को, तो आप बताइएगा कि राजेश भूषण जो है इन्हें 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के समिति बी का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमारे संस्था की ओर से शानदार तरीके से लेखपाल की बुक लिखी गई है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी लाभदायक भी होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले श्रृंखला में, शानदार तरीके से आप सबने पढ़ा होगा, समझ में बिल्कुल आई होगी, और आप सब इसी तरह निरंतर अपनी श्रृंखला को जारी रखें, और उम्मीद करता हूँ कि झंडा मुकाम जो है एक दिन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत।